रहेगा बेटा, टॉप रैंकर इज्जत से मर गए वो ब्लास्ट हुआ और बैटमैन यहाँ पे खत्म होते नजर आते, आपको नजर आएंगे मानिया की अगर बात कीजिए। मैं सोच रहा हूँ यहाँ ऊपर से नीचे कैसे जाओगे, गाड़ी तो उनके पास है नहीं, एंगल बहुत खतरनाक है। बट एक और प्लेयर को नॉक करना, नीचे जाने की जरूरत क्या है जब आप ऐसे यहाँ पे फिनिशेस निकाल सकते हो। एक और छह फिनिशेस मानिया यहाँ निकाल चुके हैं अपनी टीम के लिए, और अब तो नीचे जाना पड़ेगा और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, हील को हो नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पे लास्ट फिनिश वो भी निकाल सकते, निकालेंगे निकालेंगे, सातवां फिनिश बनने से पहले मानिया यू ब्यूटी ओवर के ऊपर ओरांगुटान रश कर रहे हैं, एक तरफ से गॉडलाइक उनके ऊपर रश कर रहे हैं, बट यहाँ पे ओवर की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं सारे के सारे प्लेयर्स। जेली कहते मैं जाऊंगा, पीछे से एक कवर आएगा, गॉडलाइक एक तरफ और ओरांगुटान एक तरफ, अब क्या करे तो करे क्या ओवर स्पोर्ट्स, हर तरफ से यहाँ पे शॉट्स आ रहे। जॉनाथन अब बात की जाए तो क्या ये ग्रेनेड यहाँ पे कनेक्ट करा पाएंगे, काफी अच्छा यहाँ पे थ्रू है, लेट्स सी कनेक्शन, वो जो पॉइंट है वो कुछ खास यहाँ पे बनाए नहीं। शैडो को रिवाइव देने की भी यहाँ पे जरूरत है, जिसके पीछे ऑलरेडी यहाँ पे निक्सन जा चुके, ट्राई करेंगे वहां पे रिवाइवल दिया जा सके, लेकिन ये जो मॉली थी वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हुए, एके भी वहां पे डाउन हो जाएंगे, स्लैश भी डाउन हो जाएंगे। जॉनाथन का ये ग्रेनेड काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता वहां पे ओजी के खिलाड़ियों के लिए, लेकिन आखिरी खिलाड़ी को क्या वो कंफर्म कर पाएंगे। जी हाँ, एक एक करके जो नॉक है उन्हें तो मैच से बाहर कर रहे हैं, लेकिन यूएमपी से काफी ज्यादा डैमेज किया गया। जी हाँ, डैमेज उनको मिल चुका है, बट ये नीड उनके हाथ में, इट इज अ 1v3 सिचुएशन। यहाँ पे ओरांगुटान रिवाइव अगर वो कर देते तो फायदा उनका होगा, बट नहीं, इट्स अ विनर विनर चिकन डिनर फॉर टीम गॉडलाइक। पाने को अभी कई मुकाबले।